हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को ना तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फोन के फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको है ना बैकअप सेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी ओपन करता हूं। इसमें देखिए सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है। अभी पेज आता है, देखिए इसमें बैकअप की सेटिंग है ना, तो ये बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पे पहले से बंद किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है तो इसे ऑफ करना है। और इसी तरीके से आपको जो और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिलती है उनमें भी आपको बैकअप सेटिंग इसी तरीके से बंद रखनी है, ठीक है। एक काम यह भी करना है, आपके फोन की जो गैलरी है ना, फोन की गैलरी में आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है। एक काम यह भी करना है, आपके फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं उन सभी फालतू के ऐप को भी अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम यह करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है, यहां पर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपका जो फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं आपके मोबाइल फोन में जो बाकी का बचा हुआ डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखते हैं आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना।